वीडियो के बाहर सब अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। So, hey, what's up everybody and welcome back to another video. आज हम लोग फिर से कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति बिना करोड़पति के प्रश्न उत्तर, जो मेरे चैनल का पता नहीं शायद से 1 मिलियन्थ क्यों नहीं होगा, जहाँ पे तुम लोग फिर से घूम फिर के वही सवाल मुझसे पूछोगे, रॉनी तेरी उम्र कितनी है, तू कौन से क्लास में पढ़ता है, कोलकाता भुवनेश्वर गुवाहाटी मनाली दिल्ली पंजाब बैंगलोर कब आ रहे हो, और इन सब में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मुझे क्या पता। तो इस बार का सबसे कॉमन क्वेश्चन आया है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। देखो भैया, हम पहले भी बोल चुके हैं, हम फिर से बता रहे हैं, निजी जिंदगी में उंगल नहीं। और कुछ लोग का तो अलग लेवल का स्वैग है, डू यू हैव गर्लफ्रेंड्स, यू मदर फादर मैनर्स धिस, समझते क्या हो तुम लोग मेरे को हा? देखो, आई एम वेरी लॉयल टू परदेसी गर्ल, वो कभी रिप्लाई नहीं करती, वो बात अलग है, बट सच इज लाइफ, आई एम स्टिल अ वेरी ऑनेस्ट मैन। परदेसी गर्ल कभी तो रिप्लाई कर दे। सो चलो यार, बिना टाइम गवाए प्रश्न उत्तर करते हैं आज के लिए। आर यू यूट्यूबर, टेल मी। ये वीडियो को देख के ना मुझे म्यूजिकली की याद आ रही है, मतलब नहीं, अगर हम लोग इस चीज के यहाँ पर एक टैग लगा देंगे ना तो भैया बन गया म्यूजिकली। आर यू यूट्यूबर, टेल मी। हाय सर। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। रॉनी द रॉक, जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, एंड व्हाई शुड आई आस्क द क्वेश्चन, एंड इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा, नहीं तो मैं तेरे को दिखा देता हाउ टू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। गला भार में गया, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। कौन पादा रे इधर है, और ये बंदे का ना इतना करके मन नहीं भरा है। नंबर मिलेगा प्लीज। देख भाई, ऐसा करके किसी लड़की से नंबर नहीं मांगने का, बता रहा हूँ, ऐसा स्पीड में एक सैंडल उड़ के आएगा ना, ऐसा स्पीड में उड़ के आएगा ना, समझेगा नहीं तेरे, आर पार जाएगा, समझ, आर पार जाएगा। रोनी अगर गोटिया की माँ मरने की बहन है तो मरने तेरा क्या लगा। गोटिया की माँ मरने की बहन है तो मरिया मरिया ए मरिया कैसे रे मजे। हाय रोनी, मेरा ये क्वेश्चन है कि यूट्यूब में ये तो लास्ट क्वेश्चन में था, ये वही बंदा जो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू वाले। यार तुम्हारा एज बताओ और तुम्हारा क्वालिफिकेशंस क्या है वो भी मुझे बताओ। हेलो रोनी, आई एम नेपलीस एंड आई एम फ्रॉम नेपाल, तो भाई बता दे तुझे कैसा महसूस हुआ कि कोई बंदा नेपाली बंदा भी तेरा फैन है। यार वैसे सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से कोई हमारे वीडियोस देखता है, जब मुझे लोग अगर बोलते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान से हूं, तेरे वीडियोस देखता हूं, मैं बांग्लादेश से तेरे वीडियोस देखता हूं, मैं नेपाल से तेरे वीडियोस देखता हूं, मैं यूके में तेरे वीडियोस देखता हूं, यार बहुत अच्छा लगता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि तेरी लेडी क्रश कौन है। और मेरी लेडी क्रश मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि तेरी लेडी क्रश कौन है, तेरी क्या मैन क्रश है। देख भैया, हम स्ट्रेट, ये डंडा दिख रहा है, ये डंडा ऐसा स्ट्रेट, अपने लेडी क्रश ही रहेंगे, मैन क्रश नहीं होने वाले। भाई तू यूट्यूब में जो गुस्सा था ना इजीली कैसे कर दिया यार, उनको इतना टाइम लगा। तुझे किसने बोला कि मैंने इजीली कर लिया। What motivates you the most? What motivates me the most? ये तू जो ये स्क्रीन के अक्रॉस बैठ के वीडियो देख रहा है, मैं तेरा नाम नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ तू कहाँ रहता है, मैं ये नहीं जानता हूँ तू कौन है, तू जो मेरी वीडियो देख रहा है और नीचे जाके लाइक करता है और बोलता है कि भाई तेरी वीडियो देख के मजा आया, आनंद आया, दिस मोटिवेट्स मी। भाई तुझे क्या अच्छा लगता है, आरआईपी इंग्लिश और चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर नया वाला आरआईपी फोटोशॉप। हॉनेस्टली मेरा फेवरेट है आरआईपी इंग्लिश। भाई प्लीज डोंबिवली मीटअप करना। मैं डोंबिवली मीटअप करना चाहता हूँ, अगर तुम लोग स्टेशन पे उतरने दो तभी, मतलब अगर तुम में से कभी कोई डोंबिवली स्टेशन उतरा है तो तुमको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इमेजिन करो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, तुमको उतरना है, तुम उतरने जा रहे हो, लोग तुमको धक्का मार के फिर से अंदर घुसा के ले गए। सच बताओ, डोंबिवली से बाहर जाने के लिए कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है नहीं क्या, बस वस कुछ चलता नहीं तुम्हारे वहाँ पे। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव, हो सकता है तो एक का नाम और नंबर दे दे। यार अपार मात्रा भैया, अलग लेवल पे ये बंदा। व्हाट वाज योर मोस्ट अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ऑन योर बर्थडे एंड एट व्हाट एज। एग्जैक्टली पता नहीं एज क्या है, बट मैं बहुत छोटा था एंड आई वोक अप वन मॉर्निंग ऑन माय बर्थडे और मेरे पापा ने मेरे लिए एक वीडियो गेम लाया था, जो पता ना होता था पहले वीडियो गेम, वो कैसेट डाल के खेलने वाला वो चीज था। सो एट दैट टाइम दैट वाज द बेस्ट गेमिंग डिवाइस यू कैन हैव, वो टाइम का PS4 था बेसिकली वो। दैट वाज माय बेस्ट एंड माय अनएक्सपेक्टेड बर्थडे गिफ्ट, और मुझे एज याद नहीं क्या है उसका। माय क्वेश्चन इज आर यू मैरिड, इफ यस हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, इफ नो which type of girl do you need?
मेरा गंगा जल किधर गया? रुक जाओ रे, गंगा जल बहुत जरूरी है इस जगह पे। Do you watch Netflix and chill? If yes, did you watch 13 Reasons Why? If yes, what is your reaction? No, I did not watch 13 Reasons of Why. Please give me 13 Reasons Why. I should watch 13 Reasons Why. जब आपके किसी वीडियो में एक्सपेक्टेशन से कम लाइक्स और व्यूज आते हैं, क्या आपको तभी मन करता है कि आप यूट्यूब छोड़ दे? एनीवे, लव योर वीडियोस। आई नो, अगर व्यूज या लाइक्स कम आए तो इट इज डिप्रेसिंग कि भैया मेहनत किया है, वीडियो बनाया और लाइक्स नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहा, बट एट द सेम टाइम इट इज अ मोटिवेशन कि अगले वीडियो में आग लगा दूंगा। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है ना, मुझे मुंबई इंडियंस की याद आ जाती है, दुनिया हिला देंगे हम। थर 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 थर। साला पोपटलाल कॉपी। हाउ मच यू लव योर बांग्लादेशी सपोर्टर्स? दिस मच। 1+0+2+0 in bracket 4+7+379+970 close brackets 575+5784-764+589 is equal to कितना होता है? The answer is 5630। और अगली बार अगर तुम्हें कोई मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मुझे मत पूछना, कैलकुलेटर का यूज करो, हर फोन में आता है प्री इंस्टॉल्ड। केटी पेरी के लिए दो शब्द, बेबी यार फायर वर्क, कम ऑन शो देम व्हाट यू वर्क, मेक हिम गो ओ ओ ओ एज़ यू शो अक्रॉस द स्काई आई आई। लड़कियों को देखकर मन में भसड़ मचती है, अगर यस तो आओ कभी हम। Which famous personalities or YouTubers follow you? Sheru मुझे follow करता है and I don't know how, I don't know why, but Twitter पे मुझे मल्लिका शेरावत और रिकीशी follow करते हैं। I don't know how, I don't know why, but they follow me. My questions are my questions, none of your questions. So finally, finally. The biggest question in the history of my channel. So, तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? अब तुम बी यूनिक को जानते होंगे, डोंबिवली। तुम आशीष चंचलानी को जानते होंगे, उल्हासनगर। मैं इन दोनों के बीच में रहता हूँ, कल्याण। अब मुझे पता है कि तुम में से वो लोग जो थाने के आगे रहते हो, तुम लोग मुझे बोलोगे, ए भाई तू गांव में रहते रे, गांव रे गांव। तुम लोग को ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कल्याण जंक्शन है जंक्शन, साला यहाँ से दो पटरी जाता है, एक करजत एक कसारा, है क्या तुम्हारा जंक्शन? सो एनीवे गाइस, आज के लिए बस इतना ही काफी है और बाकी सब कुछ वही सेम। अगर वीडियो देख के आपको जीवन का आनंद मिला है तो नीचे वीडियो को लाइक मार दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे जाकर मार दो मगर प्यार से। Hey, I will see you guys next time. Jolanda Zirwani and you just saw Dharani Show. Bye bye.